आज दिनांक 16 फरवरी 2022 महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी प्रदेश में सरकार द्वारा दिए गए कार्य को निष्ठा से पूर्ण कर राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। परंतु खेद का विषय है कि 8 घंटे से ज्यादा कार्य करने के बावजूद अन्य कार्यों को सुविधाएं देने से वंचित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी सहायिका सुनीता देवी कुशवाहा ने बताया, हमारा वेतन 18,000 रुपए प्रति माह किया जाए, सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम रुपए 30 लाख ग्रेच्युटी प्रदान की जाए, सेवानिवृत्ति के पश्चात रुपए 5,000 प्रति माह पेंशन आदि योजनाओं का लाभ होना चाहिए, यही हमारी सरकार से मांग है। सर मकरा से आई हूँ, हमने यहाँ पे धरना दिया है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा कर सके, या तो हमारी 18,000 सैलरी करे, या 18,000 सैलरी नहीं कर रही है तो हमें परमानेंट करे। धन्यवाद। चमेली नाम है मेरा, और हमारी मांगों को गवर्नमेंट पूरा करने की शक्ति नहीं है, और 24 घंटे की ड्यूटी लगवाती है हम पे, कोरोना में काम करवाती हो, टीका करवाती हो, 24 घंटे ये बच्चे को देखो, जांच करवाओ, सारे काम करवाती हो। 3,000 रुपये के वेतन थे, हमारा कैसे पेट पालना हो जाए, क्या की वजह से हमारा सरकार अपनी मांगे पूरी करे हमारी। रिपोर्टर रमाकांत शर्मा, R9 भारत चैनल। सैपो पुलिस ने बुधवार के दिन कार्यवाही करते हुए धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया, भाजपा विधायक शोभा रानी कुशवाहा के खिलाफ 3 युवकों द्वारा आपत्तिजनक वीडियो फेसबुक पर वायरल किया गया था। तीनों आरोपियों ने जाति विशेष को टारगेट करते हुए विधायक शोभा रानी कुशवाहा एवं उनके पति बीएल कुशवाहा को अभद्र गालियां देकर गोली मारने की धमकियां दी गई थी। सीओ विजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए आरोपी संदीप परमार पुत्र विजय सिंह निवासी कल्लूपुरा थाना इलाका बसेड़ी, जत्ती उर्फ जीतू पुत्र सुखदेव निवासी नादनपुर एवं जुगनू उर्फ जीवन पुत्र प्रभाकर निवासी रायजीत का नगला को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने ITC एवं साइबर सेल की विभिन्न धाराओं में अभियोग दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर धौलपुर के विधायक शोभा रानी जी कुशवाहा पति समाज के शब्दों का प्रयोग धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ है। R9 भारत तहसील रिपोर्टर रोहित पराशर। सैपाऊ के निकटवर्ती बॉर्डर की सीमा के गांव चंदौरा के पास बुधवार को एक स्विफ्ट कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक उछलकर घटनास्थल से करीब 15 फीट दूर पेड़ से जा टकराई। इस दरमियान एक युवक की दर्दनाक मौत हुई, तो वही मृतक की पत्नी सहित 2 महिला घायल हुई। जानकारी के अनुसार भम्मो सिंह पुत्र मंगल सिंह कुशवाहा निवासी खैमरी अपनी पत्नी गंगा देवी तथा छोटे भाई रामबरन की पत्नी फूलन देवी के साथ सरैधी स्थित सिद्ध बाबा मंदिर के दर्शन कर वापस अपने गांव लौट रहे थे। तभी चंदसोरा गांव के पास सामने से आ रही एक स्विफ्ट कार ने बेकाबू होकर बाइक को टक्कर मारते हुए रौंद डाला। घटना के बाद मौके पर एकजुट हुए राहगीरों की सूचना पर पहुंची NHAI एम्बुलेंस के पायलट धर्मेंद्र चौधरी तथा EMT संजय शर्मा की मदद से तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपो पहुंचाया, जहां डॉक्टर दिनेश सिंह नरूका तथा डॉक्टर फनीश बंसल के द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार करते हुए गंभीर हालत के चलते तीनों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। तभी युवकों को जिला अस्पताल से आगरा उपचार के लिए ले जाते समय युवक ने रास्ते में दम तोड़ लिया, वहीं दोनों घायल महिलाओं का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। R9 भारत तहसील रिपोर्टर रोहित पराशर।